प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का गणित और प्रश्नावली 6.3 जो अभी चल रही है, और उसका आज हम देख रहे हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसने इस संख्या को, कौन सी यह संख्या जो दी है, इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमको यह देखना है कि इसमें सबसे छोटी जो है वो पूर्ण संख्या कौन सी का गुणा करना है इसमें, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। और जब पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो अपने को क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी, देखो 252, 180, 1008, 2028 और 1458 और 568। तो बड़ी है 2028, तो इसको ले लेते हैं हम पहले और इसके करते हैं गुणनखंड। तो ये लेते हैं 2028 को। अब देखो इसका इकाई का अंक जो है वो सम संख्या है, इसका मतलब दो का भाग चले जाएगा। तो दो एकम दो, फिर ये शून्य है, दो शून शून, फिर दो एकम दो, दो जो आठ, ये दो का भाग चले गया, फिर दो का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक जो है वो सम संख्या है। अब एक में भाग नहीं जाएगा तो एक पे शून्य दस, दो पंजा दस, फिर इसमें भाग नहीं जाता, भाग के शून्य, एक पे चार हो गया 14, ये हो गया 2×7=14। अब 507 आ गया। अब ये 7 जो है विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब हम 3 से चालू करते हैं, विषम संख्या से। तो 3 का भाग देके देखें, ये हो गया 3 एकम 3, बचा 2, 20 हुआ, 3 छेंग 18, 20 थे, 3 छेंग 18, 2 बचे, 2 के ऊपर 7 27, तो 3 आम 27 भाग चले गया। अब 3 का फिर भाग देके देखें, तीना पंजा 15, एक बचा 19 है, अब 3×18 होता है, एक बच जाता है, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। अब उसके बाद में 5 का भाग जा नहीं सकता क्योंकि ये 5 या शून्य नहीं है, 6 सम संख्या है। 7 का भाग देखे देखें, तो 7 दोनों 14, बचे 2 29 हुए, 7×28, फिर एक बच गया, मतलब 7 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद में 7 के बाद में 9 का भाग देखे देखें, तो 9 एकम 9, बचे फिर 7, 7 पे 9 79, तो नमी 78 और नमन 81, मतलब इसके बीच का आ रहा है, तो 9 का भाग भी नहीं जाएगा। 11 का देखें, 11 एकम 11, 16 में से 11 गए तो 5 बचे, 5 के ऊपर 9, तो 59 हो गए, 11 पंजा 55 और 11 6 66, इसके बीच में आ रहा है। 12 सम संख्या है, उससे भाग नहीं जाएगा। 13 देखते, तो 13 एकम 13, बचे कितने 3, 39 हुए, तो 13×39, मतलब 13 का भाग चले जाएगा। तो 13 एकम 13, 3 बचे 39 हुए, 13×39, और ये हो गया 13 एकम 13। अब यहां पर डायरेक्ट अपन 13 एकम 13 इसलिए लिया है क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल उसी का भाग जाएगा, 13 का जाएगा और 1 का जाएगा, इसलिए हमने 13 का डायरेक्ट भाग देके देख लिया। अब यहां पर देखो, जब ये मान लो ये संख्या है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये 2 का एक जोड़ा है, 13 का एक जोड़ा है, अब एक जोड़ा पूरा होना चाहिए, तो 3 का भी जोड़ा होना चाहिए, मतलब इस संख्या में क्या करेंगे अपन, 3 का गुणा करेंगे। इस संख्या में अगर 2028, इसमें अगर हम 3 का गुणा करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लेना है, 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि यहां 3 का एक जोड़ा हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो यह संख्या क्या होगी देख लेते हैं, 3×8=24, 4×7=2, 3×2=6 और 2=8, फिर 3×0=0 और 3×2=6, ये हो गया 6084। तो अपनों ने कितना सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 का गुणा करा, तो यह आ गया 6084। और क्योंकि 3 का क्यों गुणा करा, क्योंकि 3 यहां अकेला है, ये जोड़े में अब अकेला है, तो अब ये 3 का गुणा करने के बाद में ये भी डबल हो गया है, तो अब वर्गमूल क्या आ जाएगा, ये 2 के जोड़े में से 1, 2
फिर ये तीन और ये जो गुणा करा तीन, ये तीन के जोड़े में से एक तीन और ये तेरह के जोड़े में से एक तेरह। अब ये क्या हो गया, ये हो गया वर्गमूल। गुणा करके देख लेते हैं, दो तिया छह हो गया, इसका मान छह हो गया और तेरसंग अठहत्तर ती हो गया अठहत्तर, मतलब ये जो संख्या दी है अपने पास 6084, इसका वर्गमूल क्या आ गया, अठहत्तर आ गया। तो हम गुणा करके देख लेते हैं वास्तव में ये वर्गमूल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अठहत्तर का अठहत्तर में गुणा करेंगे, है ना, तो ये आ जाना चाहिए। तो अठहत्तर का अठहत्तर में गुणा करें तो कितना आता है, देखो अठो अठो चौसठ के चार हाथ क्या है छह, आठ सत्य छप्पन और छह बासठ, 624 हो गए। इधर लिख देता हूं मैं, इसके नीचे कट्टर कर दिया। अब उसके बाद सात का गुणा करते हैं, तो सातो अठो छप्पन, छप्पन का छह हाथ क्या है पांच, सातो सात उनपचास और पांच चौवन, ये चौवन कर दिया मैंने। अब इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया चार, दो और छह हो गया आठ, छह और चार दस के शून्य हाथ का है एक, एक पांच और एक छह, तो ये कितना आ गया 6084, मतलब अपना जो मान था ये सही निकला है। तो ये जो संख्या है इसमें किसका गुणा करेंगे, उस संख्या का गुणा करेंगे जो जोड़े के रूप में नहीं है। ये दो जोड़े के रूप में है, तेरह जोड़े के रूप में है, तीन जोड़े के रूप में नहीं है, तो तीन का हमने गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद में ये संख्या आ गई, अब हमको क्या करना है, इस संख्या का वर्गमूल भी निकालना है, जो नई संख्या आई उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो वर्गमूल हमने क्या निकाल लिया, ये अठहत्तर निकाल लिया। कैसे निकाला, ये दो के एक जोड़े में से दो, तीन के एक जोड़े में से एक तीन और तेरह के जोड़े में से तेरह, इनका आपस में गुणा करा अठहत्तर आ गया। तो अठहत्तर किसका वर्गमूल है, इस संख्या का, है ना, इसका मतलब अठहत्तर का वर्ग ये है। तो हमने चेक करके भी देख लिया, अठहत्तर का अठहत्तर में गुणा करा तो यह 6084 आ गया। तो इस प्रकार से हमने सबसे छोटी पूर्ण संख्या तीन का गुणा करा और इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया, अठहत्तर आया। तो ये था हमारा सवाल नंबर चार का हल। अब एक सवाल और कोई सा ले लेते हैं हम, एक और कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या हमारे पास है 1458, बाकी के आप कर लेना, ये 1458 है। तो इसके गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करें इसके। आठ क्या है, सम संख्या है, दो का भाग चले जाएगा, ये हो गया दो सती चौदह, दो दून चार, एक बचा अठारह हुआ, दो नवे के अठारह। अब नौ क्या हो गया, विषम संख्या हो गई, तो इसमें दो का भाग नहीं जाएगा, पांच का भाग नहीं जाएगा और जितनी भी सम संख्या है उनका भाग नहीं जाएगा। अब यहां पर ये अंकों का योग देखो, सात और दो नौ, नौ नौ अठारह, अठारह है। अब जो अठारह है इनके अंकों को जोड़ो तो ये कितना आया, नौ आया। इसका मतलब कोई भी संख्या है उनके अंकों को जोड़ो, फिर यदि बड़ी संख्या दो अंक या तीन अंक को तो उनको भी जोड़ो और अंत में नौ अगर आ जाए, इसका मतलब इसमें किसका भाग चले जाएगा, नौ का भाग चले जाएगा। तो हम नौ का भाग देके देखते हैं, तो नौ का जाएगा इसका मतलब क्या है, नौ बराबर होता है तीन गुणी तीन, इसका मतलब तीन का भाग जाएगा। तो तीन का भाग दिया, तीन गुणु छह, एक बचा बारह हुआ, तीन चौक बारह और तीन तीन नौ, फिर तीन का भाग जाएगा क्योंकि नौ का भाग जा रहा था, तीन गुणी तीन है, ये तीन का भाग दिया तो तीनों अठो चौबीस, तीन एकम तीन। अब फिर देखो, फिर आठ और एक नौ हो गया, इसका मतलब नौ का भाग फिर जाएगा। तो फिर हम लिखते हैं, तीन का भाग दिया तो तीन दोनों छह, दो बचा इक्कीस और तीन सत्तर इक्कीस, फिर तीन का भाग दिया तो कितना है, तीन आम सत्ताईस। अब देखो फिर नौ का भाग चले जाएगा, मतलब तीन का भाग जाएगा। अब तीन तीन में क्यों कर रहा है ये बता दूंगा। अब देखो तीन तीन नौ हो गया, फिर तीन का भाग चले गया एक बार। हम चाहते थे जोड़े के रूप में आए, संख्या अगर जोड़े के रूप में आए, तो देखो यहां पर तीन का एक जोड़ा है, यहां पर तीन का एक जोड़ा है, ये तीन का एक जोड़ा है। इसका मतलब कोई भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाए तो उसके अंदर जो गुणनखंड है उनमें जो अंक आते हैं वो जोड़े के रूप में होना चाहिए। अगर जोड़े के रूप में होते हैं तो उस संख्या पूर्ण वर्ग होती है। अब हमारे पास तीन तीन तीन, ये तो जोड़े के रूप में है पर दो जोड़े के रूप में नहीं है, मतलब दो अकेला है, तो इस संख्या को दो से गुणा करेंगे ताकि ये जोड़े के रूप में आ जाए। तो 1458 को दो से गुणा करते हैं, 1458 का करा उन्होंने दो से गुणा, तो कितना आया, दो अठे सोलह का छह हाथ का है एक, दो पंजे दस और एक ग्यारह का एक हाथ का है एक
दो चौक आठ और एक नौ और दो एकम दो, ये आ गया 29 16। ये किसका आ गया 1458 में हमने सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करा। कौन सी पूर्ण संख्या का करा? दो का। क्यों? दो यहां अकेला था, जोड़े के रूप में होगा तब इसका जाके ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 29 16 जो है वो दो का गुणा करने के बाद में पूर्ण वर्ग बन गए। अब इसका अपने को वर्गमूल याद करना है। तो वर्गमूल कैसे याद करेंगे? एक दो ये और एक दो ये, ये दो के जोड़े में से एक दो, फिर तीन के जोड़े में से एक तीन, फिर ये तीन के जोड़े में से एक तीन, और फिर ये तीन के जोड़े में से एक तीन। तो इनका आपस में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा वर्गमूल। दो तीन छह, छह तीन अठारह और अठारह तीन चौवन, तो ये 54 क्या हो गया? इसका वर्गमूल हो गया। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 54 में 54 का गुणा करते हैं हम, 4 तक 16 का 6 हता है 1, 4 पंजा 20 और 1 21, 216 आया इधर। अब 5 का गुणा करते हैं, 5 और 20 के शून्य हत्या है 2, 5 पंजा 25 और 2 27, कितना आया 6 1 2 7 9 और ये 2, ये आ गया 29 16। तो यहां पर हमने देखा कि ये 1458 में सबसे छोटी पूर्ण संख्या दो का गुणा करा तो 2916 आया, उसका वर्गमूल निकाला तो कितना आया? वर्गमूल कैसे निकाला हमने? दो के जोड़े में से एक दो, तीन के जोड़े में से एक तीन, फिर तीन के जोड़े में से एक तीन, और फिर तीन के जोड़े में से एक तीन। तो 2 × 3 × 3 × 3 ये आ गया 54, 54 आ गया वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल है कि नहीं ये देखने के लिए 54 का 54 में गुणा करा तो वापस ये संख्या आ गई। तो ये हमने दो बड़ी संख्या कर ली है। इसके बाद की आप संख्या आप खुद कर सकते हो तो इनको हल कर लेना, और कोई समस्या आए तो मुझे बताना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। देखो दो है इकाई का अंक, शून्य जो है इसमें सभी सम संख्याओं का भाग चले जाएगा, मतलब दो का तो चले ही जाएगा और पांच का भी चले जाएगा, है ना। और यहां पर आठ है, ये सम संख्या है, इसमें भी दो का भाग चले जाएगा। ये आठ सम संख्या है, इसमें भी दो का भाग चले जाएगा। तो ये बाकी जो बची संख्या है इनको दो से भाग देना चालू करेंगे तो अपन ये मान निकाल लेंगे। तो ये था अपना सवाल नंबर 5, और अगले वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 6। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।